हेलो एवरीवन, मैं विनी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने विशूस किचन में। आज की रेसिपी है मैगी। ऐसे तो मैगी सभी लोग बना लेते हैं, चाहे प्लेन मैगी हो या मसाला वाला मैगी हो, लेकिन ये उनके लिए स्पेशल है जो कि नए तरीके से मैगी बनाने और खाने के शौकीन होते हैं। ये है शेज़वान मैगी मसाला की रेसिपी। इसमें मैंने मैगी को एक अलग तरीके से बॉईल किया है, तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो उसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और उसके बगल में एक छोटा सा बेल आइकन है उसको ज़रूर हिट कर दीजिएगा। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हमें लेना है कढ़ाई। कढ़ाई में आप याद रखिएगा कि हम कोई नॉनस्टिक का बर्तन नहीं लेंगे, या तो आप इस तरीके की कोई कढ़ाई लीजिएगा, नहीं तो आप लोहे की भी ले सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। जब तेल गर्म हो जाएगा तब उसमें डाल देंगे 1 महीन कटा हुआ प्याज, और प्याज को हल्का लाल होने तक हम ऐसे ही पका लेंगे। इसको ओवर कुक हमें नहीं करना है। जब प्याज इस तरीके से लाल हो रहा है तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उसके लिए हमें ले लेना है एक पतीला, और उसमें करीबन 2 से 3 कप पानी डाल देंगे। अब डालेंगे इसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच तेल, और जब पानी में इस तरीके से बॉईल आने लगेगा तब हम उसमें ये मैगी डाल देंगे, और सिर्फ इसको 1 मिनट के लिए ही हम उबालेंगे। अगर हम मैगी डायरेक्टली मसाले में कढ़ाई में डाल देते हैं फिर ऊपर से पानी डालते हैं तो मैगी हल्की सी चिपचिपी और गली सी बनती है, लेकिन अगर हम मैगी इस तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत टेस्टी बनेगी। मैगी उबल चुकी है, चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो अब उसमें अगर वो प्याज हो चुका होगा, डालेंगे मटर, थोड़ा सा कटा हुआ शिमला मिर्च, गाजर और थोड़े से फ्रेंच बीन्स, और इन सबको हम थोड़ा सा लाल होने तक पका लेंगे। इनको हमें ओवर कुक नहीं करना है। ये जो सब्जियां हैं ये हल्की सी हमें खड़ी ही रखनी है। अब आप देख सकते हैं हो चुकी हैं सारी सब्जियां। अब इसमें डाला है मैंने 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा नमक और 2 हरी मिर्च, और इन सबको भी हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, और इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए ही पका लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये मसाला जो मैगी के पैकेट में अंदर सैशे आता है ना, बस ये वही मसाला हमने इसमें मिला लिया था, और इसको थोड़ी देर ऐसे ही पका लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे शेज़वान सॉस। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच शेज़वान सॉस का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच रेड चिली सॉस, ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं, और इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। ये शेज़वान सॉस को डालने के बाद में हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हम ये इसमें बॉईल की हुई मैगी डाल देंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे। चलाने के लिए ये याद रखिएगा कि पहले तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे ही चलाएंगे, और उसके बाद 2 फोर्क लेकर उसको इस तरीके से हल्के हाथों से चला लेंगे, ताकि ये मैगी टूटे भी ना, और ये ऐसे ही अच्छी सी मैगी एक हमारी बनकर तैयार हो जाए। इस तरीके से अगर आप मैगी बनाएंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और जो नॉर्मल मैगी हम बनाते हैं और जो अभी तक हम खाते चले आए हैं ना, ये उससे एकदम डिफरेंट होता है। तो इस रेसिपी को मेरी एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, और आपको ये मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप नेक्स्ट रेसिपी कौन सी देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।